खबर निकल के सामने आई है मध्य प्रदेश के रतलाम से। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी में इस बार पंजीकृत किसानों में 5% ही शासकीय केंद्रों पर गेहूं बेचने पहुंचे। 28 मार्च से खरीदी शुरू हुई, आखिरी दिन 10 मई को शाम तक सिर्फ 5,007 किसानों से ही कुल 32,624 मेट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी थी। किसानों के नहीं आने से अब खरीदी की तारीख बढ़ने की संभावना भी ना के ही बराबर है। रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए रतलाम में 66 केंद्र बनाए गए थे। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2015 रुपए क्विंटल से मान हुई, जबकि बाजार में इससे अधिक भाव मिल रहे हैं। गेहूं के लिए इस वर्ष 32,934 किसानों ने पंजीयन कराया था। गत वर्ष यह संख्या 49,000 थी और 24,058 किसानों ने कुल 1.47 लाख मैट्रिक टन गेहूं बेचा था। गत वर्ष कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन के चलते किसानों ने समर्थन मूल्य केंद्रों पर ही उपज बेची थी। इस बार बाजार में व्यापारियों द्वारा भी अच्छी खरीदी के चलते शासकीय केंद्र खाली रही। 26 अप्रैल तक 4,770 किसान उपज बेचने आए थे, लेकिन इसके बाद अंतिम तारीख तक 15 दिनों में महज 237 किसान ही केंद्रों पर पहुंचे। कम खरीदी के चलते शासकीय वेयर हाउस भी खाली पड़े रहे। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार केंद्रों पर शुरुआत से ही किसानों की संख्या कम रही है। विभागीय स्तर पर सभी इंतजाम किए गए थे, किसानों को भुगतान भी प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है। यानी कि इस बार जो निजी कारोबारी हैं, जो प्राइवेट कारोबारी हैं, वो किसानों को ज्यादा दाम दे रहे हैं सरकार द्वारा तय की गई MSP से, इसलिए किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य केंद्रों पर कम और जो प्राइवेट कारोबारी है उनको बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वैश्विक मांग बढ़ी है गेहूं की और भारत की गेहूं की निर्यात मांग बढ़ी है, उससे अभी आगे गेहूं की कीमतों में और तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।